सोने की गुफा। मोहनपुर गांव में एक जमींदार रहता था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अपने खेतों को किसानों से जोतवाता था। उसके खेत में राजू नाम का किसान काम करता था। वह बहुत ही सरल और परिश्रम वाला व्यक्ति था। एक दिन वह खेतों में हल चला रहा था। हुर्र, हुर्र, चल चल चल, हुर्र। तभी वहां पर जमींदार हरिश्चंद्र आया और उसने राजू से कहा, राजू मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम काम करके वही आ जाना और अपने काम के रुपए ले जाना। ठीक है मालिक, आप जाइए, मैं काम करके आ जाऊंगा। इसके बाद हरिश्चंद्र वहाँ से चला गया और वह फिर से काम करने लगा। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई दी, जैसे हल किसी से टकराया हो। आवाज को सुनकर उसने अपने हल को रोका और कहा, अरे यह आवाज कैसी, मुझे फिर से हल चला कर देखना चाहिए। और यह कहकर उसने फिर से वही पर हल को चलाया। इसके बाद तो फिर से उसे आवाज सुनाई दी। उसने वहाँ की मिट्टी हटाई, एक पुरानी किताब सी मिली। उस किताब को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे यह तो कोई किताब या फिर लोहे की चीज लग रही है, मैं इस पर मिट्टी हटा कर देखता हूँ। और यह कहकर उसने उससे मिट्टी हटाई। अरे यह तो किसी का नक्शा लग रहा है, मुझे यह जमींदार साहब को दे देना चाहिए, क्योंकि यह उन्हीं के खेतों में से निकला है और यह उन्हीं का होगा। और कहकर वह जमींदार के घर पर गया और चिल्लाते हुए कहा, मालिक, ओ मालिक, कहाँ है आप, सुनिए तो मालिक। क्या क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो राजू? मालिक, आपके खेतों में मुझे काम करते समय यह मिला है, देखिए तो, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। इस पर जमींदार ने उस चीज को देखा तो मुस्कुराते हुए राजू से कहा, अरे राजू यह तो खजाने का नक्शा है, तूने तो आज मुझे बहुत अच्छी चीज दे दी है, इससे तो हमारा नसीब ही खुल जाएगा। क्या मालिक, आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ, इसे मेरे पूर्वजों ने छिपा दिया था। मैं कब से इसकी खोज में लगा था पर मुझे तो यह मिल ही नहीं रहा था, पर आज तूने मुझे यह दे दिया, इससे खुश होकर मैं तुझे 20 मोहर ज्यादा दे दूंगा। अच्छा मालिक, मैं अब चलता हूँ, पर आप इसे संभाल कर रखना, कहीं यह खो ना जाए। हाँ यह तो तूने एकदम ठीक कहा है। अच्छा तेरे पास कोई चित्रकार है, मुझे चाहिए। हाँ हाँ मालिक, मेरे घर के पास ही रहता है, मैं अभी जाकर उससे कह देता हूँ। और यह कहकर राजू वहाँ से चला गया। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि जमींदार को खजाने का नक्शा मिला है। और यह बात फैलते हुए गांव के सरपंच के पास पहुँची। गांव के सरपंच ने अपने आदमी बिरजू से कहा, अच्छा तो ये ऐसी बात है, जमींदार अब अपने खजाने से ऐश करेगा और मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि वह मांस खाए और मुझे हड्डी भी ना मिले। पर आप क्या करोगे मुखिया जी, वह तो बहुत ही पैसे वाला है, उसके सामने तो सभी छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करके ही रहूंगा और जमींदार कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं उसे अब अच्छी तरीके से मजा चखा कर रहूंगा। इसके बाद बिरजू वहाँ से चला गया और धीरे धीरे रात हो गई। रात के समय जमींदार आराम से सो गया था, तभी अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज आई, तो वह जाग गया और उसने कहा, अरे कौन है यहाँ पर? तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी और वह वापस सो गया। अगली सुबह ही जमींदार के घर पर काफी चहल पहल मच जाती है, क्योंकि जमींदार का नक्शा चोरी हो चुका था। जमींदार ने भी सभी दास दासियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने मेरा नक्शा चुराया है? सही सही बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे नहीं मालिक, हम तो आपके यहाँ काम करते हैं, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? नहीं मालिक, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ मालिक, काका एकदम ठीक कह रहे हैं, हमने उसे नहीं चुराया है, हम ऐसा क्यों करेंगे मालिक। ठीक है ठीक है, जाओ तुम सभी लोग। इसके बाद जमींदार बहुत परेशान हो जाता है। उसे परेशान देखकर मुंशी उसे समझाते हुए बोला, अरे मालिक आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, अगर आप इतनी चिंता करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता तो करनी ही पड़ेगी, इतनी बड़ी बात हो गई है, हमारे घर से नक्शा चोरी हो गया है और तुम कह रहे हो कि चिंता मत करो। तभी भागता हुआ जमींदार का दूसरा आदमी लाखन आया और उसने जमींदार से कहा, अरे मालिक मुखिया जी मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? मैं तो उन्हें ढूंढकर थक चुका हूँ। क्या मुखिया नहीं मिल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात ही तो मेरा नक्शा चोरी हुआ था और अब मुखिया भी गायब हो गया है। ठीक है तुम जाओ यहाँ से। और इसके बाद लाखन वहाँ से चला गया।
वही दूसरी तरफ मुखिया एक गुफा के पास जाता है और खुश होकर अपने आप से कहता है, अरे यही तो वह गुफा है जहाँ पर जमींदार के पूर्वजों ने खजाना छुपाया था। मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए जिससे मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। और वह बड़ी मुश्किल से गुफा के अंदर पहुंच जाता है, पर जैसे ही वह गुफा के अंदर गया वह गुफा बंद हो गई और यह बात मुखिया को पता ही नहीं लगी। वही अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था और यह देखकर मुखिया ने अपने आप से कहा, अरे यहाँ तो काफी ज्यादा अंधेरा है, मुझे तो कुछ सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं मशाल जला देता हूँ। और यह कहकर उसने जैसे ही मशाल जलाई तो सामने सोने का भंडार था, वह खजाना ही खजाना था। यह देखकर वह पागल हो गया और खुशी से चिल्लाकर कहने लगा, अरे मैं तो धनवान बन गया, मेरे पास तो अब खजाना ही खजाना हो गया। अब मैं उस जमींदार को बताऊंगा, मैं तो उससे अब पैसे वाला हो गया हूँ। और यह कहकर जैसे ही वो खजाने को लेकर गुफा के द्वार की तरफ चला तो उसने देखा गुफा का द्वार तो बंद था और यह देखकर वह बहुत परेशान हो गया। अरे गुफा का द्वार कैसे बंद हो गया है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँगा। वही दूसरी तरफ जमींदार ने सभी लोगों को अपने घर पर बुलाया और उनसे कहा, पूरे 5 दिन हो गए हैं पर अभी तक ना ही मुखिया का कुछ पता चला है ना ही उस चोर का, पर हम लोग अब खजाने को ढूंढने चलेंगे। पर वो कैसे मालूम, खजाने का नक्शा तो चोरी हो चुका था, तो फिर हम वहाँ तो कैसे पहुँचेंगे। मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही चित्रकार को बुलाकर दूसरा नक्शा बनवा लिया था, यह देखो। और यह कहकर जमींदार ने सभी को नक्शा दिखाया। यह देखकर सभी खुश हो गए और राजू ने जमींदार से कहा, अरे मालिक आप तो बहुत ही होशियार निकले, इसलिए आप मालिक है और हम दास है। हाँ यह तो तुम ठीक कह रहे हो, वही दूसरी तरफ मुखिया भी लापता है। अब जब हम लोग उस खजाने तक पहुँचेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आखिर मुखिया और वह नक्शा किसने चोरी किया है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलिए हमें चलना चाहिए। और इसके बाद वो सभी खजाने की तरह निकल लिए। जंगलों के रास्ते होते हुए वह सभी चलते जा रहे थे, अभी आधा रास्ता ही पहुंच पाए तभी जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, हम तो बहुत थक गए हैं, मुझसे तो अब आगे नहीं चला जाएगा, हमें यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। नहीं मालिक, नहीं मालिक, हमें रात होने से पहले वहाँ पर पहुँचना है, वरना अगर रात हो गई तो यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। हाँ यह तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो तुम ऐसा करो तुम दोनों जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ और पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए। और यह कहकर राजू और लाखन आगे चले गए। दोनों नक्शा देखते हुए आगे जा रहे थे, थोड़ी दूर जाने पर फिर राजू ने नक्शा देखा और फिर वह आगे बढ़ गए। इस तरह करते करते आखिर वह लोग खजाने तक पहुंच ही गए। गुफा के पास पहुंचने पर उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इस पर राजू ने लाखन से कहा, अरे लाखन तुम्हें किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई भूख प्यास से चिल्ला रहा है। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो हम इस गुफा के पास चलकर देखते हैं। इसके बाद वो दोनों गुफा के पास गए और उन्होंने गुफा का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही बहुत तेज आवाज आई जिससे वह दोनों काफी ज्यादा घबराए और फिर वह दोनों गुफा के अंदर आ गए। गुफा के अंदर मुखिया चिल्ला रहा था, अरे कोई तो पानी पिला दो, कोई तो मुझे खाना खिला दो। यह देखकर वह दोनों काफी हैरान हुए और इसके बाद लाखन पानी लाया और मुखिया को पिला दिया और फिर उन्होंने देखा पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। और उसके बाद राजू ने वहाँ से कुछ मोहरे उठा ली और इसके बाद राजू और लाखन ने मुखिया को पकड़ लिया और वह सभी जमींदार के पास पहुँच गए। जमींदार के पास पहुँचने पर मुखिया ने उनसे कहा, मुझे माफ कर दो जमींदार, मुझसे गलती हो गई, मैं खजाने की लालच में वहाँ पर गया और वही फंसा रह गया, यदि यह दोनों वहाँ पर नहीं आते तो शायद मैं तो उसी गुफा में मर जाता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर पहले यह बताओ कि तुम्हें यह बात किसने बताई, मैंने तो यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, तो फिर तुम्हें नक्शे का पता कैसे चल गया। इस पर मुखिया ने मुंशी जी की तरफ इशारा किया। जमींदार ने उनसे कहा, अरे मुंशी जी आपने ऐसा कर दिया, मुझे आपसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, आप जिसका खाते हो उसी को दगा दिया। मुझे माफ कर दो जमींदार जी,
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। यह लीजिए मोहर, इसी के लालच में यह वहाँ पर गया था। अच्छा तो यह वो सोने की मोहर है और इसके लालच में यह मुखिया उस गुफा में चला गया। वही दूसरी तरफ से मौके का फायदा उठाकर मुंशी वहाँ से भागने लगता है। इस पर लाखन भी उसके पीछे भागता है और दलदल के पास जाकर मुंशी रुक जाता है। तभी लाखन धीरे से उसे धक्का देता है और मुंशी दलदल में गिर जाता है और अपनी करनी पर पछताता है। वही जमींदार लाखन और राजू से खुश होकर उन्हें बहुत सारी मोहरे देता है और फिर वह लोग खजाने मिलने की खुशी में बहुत जश्न मनाते हैं।